नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड के चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर की कपाट 12 मई 2024 को सुबह 6 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में खोले जाएंगे। दोस्तों, शीतकाल ऋतु में बद्रीनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहता है। मान्यता है कि इस दौरान विश्राम के लिए श्री हरि विष्णु यहाँ निवास करते हैं। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। हर साल ग्रीष्मकाल में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हजारों भक्त बद्रीनाथ धाम आते हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम को वैकुंठ धाम भी कहा गया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी बद्रीनाथ धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। साथ ही साथ इस टूर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम दर्शन के पहले करवाना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन दो तरह से करवा सकते हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन तरीके से यात्रा की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो जैसे ही आप हरिद्वार पहुँचेंगे वहाँ पर आपको कई सारे काउंटर मिल जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप यात्रा की बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचें। अगर आप ट्रेन के माध्यम से बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना होगा, यहीं से आपका बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको वहां से बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है, और बस की किराया की बात करें तो प्रति व्यक्ति 800 से 1000 रुपया लग जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह बस सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक ही मिलती है। इसके अलावा एक उपाय और भी है कि जब आप हरिद्वार पहुँचे तो उसी दिन हरिद्वार में बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप दूसरे दिन की टिकट बुकिंग करवा लें, वह आपको बस नंबर और सीट नंबर दे देंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप हरिद्वार पहुँचे और वहाँ से दूसरे दिन की टिकट ले लें। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम पहुँचने के बाद बात आती है आप वहाँ कहाँ रुके। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के आसपास बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस और आश्रम मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो उनका चार्जेज लगभग 500 से 2000 रुपये तक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं जिनका चार्जेज करीब 1000 से 1500 रुपये तक है। और अगर आप बहुत अच्छे होटल में रुकना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम में कई सारे होटल बने हुए हैं जहाँ पर आपको 2000 से लेकर 5000 रुपये तक की होटल मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में GMVN गढ़वाल मंडल लिमिटेड के द्वारा होटल बना हुआ है, आप चाहे तो रात वहाँ भी ठहर सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 रुपया में डोरमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है खाने पीने की। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के आसपास बहुत से छोटे छोटे होटल बने हुए हैं जहाँ पर आपको 150 से 200 रुपये तक भरपेट खाना मिल जाएगी। दोस्तों, खाना खाने के बाद आप अपने होटल चले जाएँ और नाइट को स्टे करें। इसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है, फ्रेश होना है और जाना है बद्रीनाथ धाम दर्शन को। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के पास कई सारे गर्म जल कुंड बने हुए हैं जहां पर आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आप चले जाए बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बद्रीनाथ के दर्शन कैसे होंगे। तो आपको बता दें कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और अगर भीड़ कम होती है तो आप 1/2 घंटे से 1 घंटे के अंदर मंदिर में पहुँच जाएंगे। वहां पर आप श्री नारायण के दर्शन कीजिए और मनचाहा मन्नत मांगिए। दोस्तों, अगर मेरे दिए हुए जानकारी से आपको ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।